डेली पंजाब टीवी दे नाल तुसी जुड़े हुए हो। मैं हरजीत भिखी फतेहगढ़ साहब की धरती से खड़े हाँ। अज दूसरा दिन है शहीदी सभा का, तो अज इत्थे एक बड़ी दिलखिचवी जी चीज़ हो रही है। तुहानू दस दईए कि इतिहास दे विच इह दर्ज है कि जदों छोटे साहिबजादिया नूं कचहरी दे विच पेश कीता गया तां उत्थे ही मलेरकोटला दे नवाब ने हाँ दा नारा मारिया सी, जो कि सिख मुस्लिम भाईचारे की वधिया मिसाल सी। तुसी देख सकते हो तस्वीरां दे विच अज भी इस हालांकि त्यौहार जिहड़ा जो इह कहा जांदा है कि सिक्खी दे नाल संबंधित है, पर फिर भी मुस्लिम भाईचारे की ये बड़ी वड्डी जिहड़ी है प्रतीक है, बड़ा वड्डा सुनेहा दिता जा रहा है, क्योंकि ये नमाज़ हो रही है मुस्लिम भाईचारे वालों। सिख मुस्लिम भाईचारे का यह बड़ा वधिया जिहड़ा संदेश है, प्रतीक है। होर भी तस्वीरां तुहानू दिखावांगे। इत्थे मुस्लिम वीरां दे वल्लों लंगर भी जिहड़ा आ चलाया जा रहा, तुसीं तस्वीरां दे विच वेख सकदे हो कि मुस्लिम वीर जिहड़े ने उहनां वल्लों एक जिहड़ा लंगर है वह चलाया जा रहा, सिख मुस्लिम सांझा पंजाब दे नां दे उत्ते, जो कि एक बड़ा वधिया जिहड़ा सुनेहा उह दित्ता जा रहा इस शहीदी सभा तों। की कहना चाहोगे शहीदी सभा दे बारे, क्योंकि पहला भी ये इतिहास रहा, हालांकि इसनों सिखां धर्म दे नाल जोड़िया जाता, फिर भी ये बड़ा वड्डा इतिहास रहा है कि मलेरकोटला दे नवाब ने हाँ दा नारा मारिया सी, मुस्लिम भाईचारा भी नाल सी। की कहना चाहोगे? देखो, कोई भी कौम सारी दी सारी चंगी नहीं हुंदी, सारी सारी बुरी नहीं हुंदी। हर एक कौम च चंगे मंदे, सियाने मूर्ख, विद्वान अनपढ़, नेक बुरे लोग हुंदे ने। एक आदमी की नेकी तो सारी कौम नेकली बन जाती, एक आदमी की बुराई तो सारी कौम बुरी नहीं हो सकती ना। तो असी इस करके गुरबाणी भी यही कहती है, श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा मोहला पंजवां अंग 407, अहकर करे सो अहकर पाए, कोई ना पकड़िए किसी थाए। किसी एक दे दोष दूजे नूं फड़ना कोई योग तो चंगी गल नहीं है, जिसका दोष होवे उसे सजा दी जाए, क्योंकि करे कोई भरे कोई, यह गल न्यायपूर्वक नहीं कही जा सकती। जिवें पहला से भी अच्छे बुरे हर जगह होंगे ने, लेकिन इस्लाम इन चीज़ों की इजाजत नहीं हूँ। जो भी घटना वापरी थी ये बहुत ही मंदभागी घटना है, छोटे साहबजादे शहीद करना, क्योंकि इस्लाम 7 और 9 साल के बच्चे तो इस्लामी शरण लागू ही नहीं होंगी, तुम सजा दे ही नहीं सकते है। ये सिर्फ सियासी लोगों की गल रही ने शुरू तो रहे हैं, क्योंकि जोड़ा हाकम हों वो पहला उसकी हुकूमत होंगी धर्म मगरों, ठीक है नी। यही एक घटना सी जिहड़ी ये पहाड़ी राजे सी या सूबा सरहंद थी, क्योंकि इतिहास दसदा है कि जो पहाड़ी राजे 13 जंगा हार गए श्री गुरु गोबिंद सिंह तो उन्होंने उस वेले का 20,000 रुपया, अज का 20 अरब रुपया दिता रिश्वत सूबे सरहंद नूं, गुरु साहब तो बदला लैण लई है ना। तो इस करके सियासी जंग नहीं इसनूं कह सकते, आपां इहो जी धार्मिक नहीं कह सकते, एक शासक सीगी, स्टेट वर्सस लड़ाई सी। तो इस करके मैंने अक्सर अपनी इंटरव्यू च कहा, क्योंकि सूबे सरहंद ने इस्लाम के कानून नूं तोड़ के ही छोटे साहबजादियों नूं शहीद किया, इसलिए वो इस्लाम का मुजरम पहले, सिक्खी का मुजरम बाद च है, क्योंकि इस्लाम किसी भी इस्लाम की एक नियम है, एक कानून है, चैप्टर है अलमायदा, वर्स नंबर हैगी 32, जिसने नाहक या निर्दोष किसी जान को कतल किया, किसी जान को उसने सारी इंसानी का कतल करता, ठीक है नी। तो हुण इत्थे तो जान भावे किसी मुसलमान की हो, हिंदू की, सिख की हो, ईसाई की, वो बराबर है। इस्लाम जुल्म करन तो रोकदा है, इस्लाम जालम नूं इह कहिंदा उहदा ठिकाणा नरक है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, ठीक है नी। वो सूबे सरहंद ने जुल्म किया, वह पापी है, और मैं तो यह कहा भी उन्हें एक नहीं 3 पाप किए ने, मासूमों का कतल किया, निर्दोषों का कतल किया, ठीक है नी। तो और उन्हें जुल्म किया, इसलिए मैं तो तीनों पर धारा लाना है, ठीक है। मैं चाहना कि इतने बारे भी जरूर दसो, क्योंकि लंगर चल रहा है, हाँ। हर धर्म के लोग जिहड़े ने वो देखे जा सकते हैं, नमाज भी हुणे अदा होके हटी है। देखो, जिवें दस्सिया भी इस्लामी सिक्ख्यावां अनुसार जिहड़े जिन्ने संसार के जिन्हें भी लोग ने, चाहे वह किसी भी धर्म या कौम या कबीले नाल संबंध रखते हैं, वो आपस में भरा भरा ने, ठीक है नी। और इस्लामी भी दसदा भी रब नूं सारी लुकाई तो सब तो वो प्यारा है जिहड़ा उसके परिवार नाल भला वर्ताव करे, अर्थात जिहड़ा मानवता नाल इंसानियत नाल प्रेम करे, भला वर्ताव करे। तो इत्थे सीधी जोड़ते लोग बहुत सारे आउंदे ने, तो असीं सांझी बालता का पैगाम देने लई इत्थे लंगर लाया। धन धन श्री गुरु नानक साहब का आगमन होया, उहदे पर भी असीं लंगर लाया। श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी आई, उहदे पर असीं मेरे कोल लंगर लाया सी ना। जदों पिछले साल श्री गुरु नानक साहब का 65वां मनाया जा रहा थी, तो पाकिस्तान चो ननकाणा साहब तो नगर कीर्तन आया थी, असी दसूहे जाके लंगर लाया थी, सिर्फ सांझी बालता का मानवता की पैगाम देने लई, क्योंकि मानस की जात सब एक पहचान वो। और इस साल जो लॉकडाउन शुरू होया तो असी श्री हरिमंदर साहब वास्ते 330 क्विंटल कणक लै गया, क्योंकि ये प्यार का मैसेज देने वास्ते, क्योंकि असी नफरत को नफरत नहीं खत्म कर सकते, नफरत को प्यार ना खत्म कर सकते। एक बाप के 2 पुत्र ने, जे उन्हें वो किसी का गल करके उन्होंने भरप लिखा पै जाए तो उन्होंने पिता को बहुत दुख होंगे, जो हम थोड़े बारे कोई सज्जन समझा जाके उन्होंने सुलह करा दे तो पिता बड़ा खुश होंगे।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।